हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिना भाटिया एंड स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में फ्रॉम ले लद्दाख। गाइस, फाइनली मैं अपनी एक ड्रीम, अपनी एक विश पूरी कर रही हूँ। वो है लद्दाख का ट्रिप, जो कि हम में से काफियों का होता है। सो मैं भी आज उनमें से एक हूँ जो आज अपना ये लद्दाख का ट्रिप का सपना पूरा कर रही है। एंड आज है हमारा डे टू ले में। एंड आई होप कि आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा, जिसमें मैंने आपको किलोंग से ले तक की HRTC बस जर्नी दिखाई थी। लद्दाख के ट्रिप पे तो हूँ, लेकिन साथ साथ एक मेरा मिशन भी है, वो है कि सोलो ट्रैवल का एंड बजट में ट्रैवल का। सो मैं लद्दाख में ट्रैवल कर रही हूँ सोलो एंड ऑन अ बजट। अगर आप ये मेरी लेह लद्दाख की पूरी सीरीज फॉलो करेंगे, आप भी इस ट्रिप को बजट में एंड सोलो कर सकते हो विदाउट एनी हैसल। अगर आपको यहाँ पे बजट में पहुँचना है लेह में, तो आप आराम से लोकल ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। दिल्ली से डायरेक्ट बस चलती है लेह के लिए एंड ये एक सीजनल रूट है, तो आपको मिड सितंबर तक की बसेस मिलेगी। बट डेफिनेटली यहाँ पे सस्ते में पहुंचा जा सकता है। तो ये तो हो गई पहुंचने की बात। वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप देख लेना कि यहाँ पे आप बस से कैसे आ सकते हो। एंड अब है मेरा डे टू ले में, तो यहाँ पे मैं करने वाली लोकल साइट सिंग। आप ले के आसपास लोकल साइट सिंग में क्या क्या देख सकते हो, तो इस ब्लॉग में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप कि आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर अभी तक नहीं किया तो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ले में मैंने अपना स्टे बुक किया था जोस्टल में। यहाँ पे मैंने डोम में अपना स्टे बुक किया था, जिसका मैंने 600 रुपीज पर डे का यहाँ पे करा। एंड लकीली मुझे यहाँ पे और सोलो ट्रैवलर्स मिल गए थे जिन्होंने लोकल साइट सिंग करनी थी। ओके गाइस, सो ये है मेरे फेलो सोलो ट्रैवलर्स। तो हमारा ग्रुप बन गया था जोस्टल में एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सम लोकल साइट सिंग इन ले। सो चलो चलो भैया, ले चलो। सो ले में फिर हमने यहाँ पे सबने मिलके एक टैक्सी बुक करी। इस पूरी टैक्सी का हमें पड़ा 5000 रुपीज पर डे, जिसमें हम सारे लोकल साइट सिंग, ऑलमोस्ट सारे लोकल साइट सिंग कम्प्लीट करेंगे। तो फुल डे के लिए ये टैक्सी हमें कॉस्ट करी थी कुछ 5000 एंड हम 4 जने थे, तो हमारे 4 पर्सन के बीच में ये पूरा फेयर डिवाइड हो गया था। अब सिंस आप सबको पता ही होगा कि लेह लद्दाख में ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत महंगी पड़ती है। सो 5000 फिर भी एक फेयर अमाउंट था। एंड अगर आप काफी जने हो, अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, तो फेयर उतना ही डिवाइड हो जाता है। सो पर डे का मुझे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया 1200 रुपीज। सो अब हम सब निकल चुके हैं ले सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए एंड आप भी इन व्यूज को एंजॉय कीजिए। व्यूज बहुत ही इनक्रेडिबल है। अपनी फर्स्ट लोकेशन पे एंड दैट इज हेमिस मोनेस्ट्री। तो यहाँ पे आपको टिकट लेनी है 50 रुपीज पर पर्सन। सो हम बहुत ही पहले लीजिए अपनी अपनी टिकट। अच्छा, ये है ओपन फॉर विजिट, ये सब है यहाँ पे देखने के लिए। द डे इज वेरी सनी टुडे, बहुत धूप है यहाँ पे, बट ठीक है, गर्मी नहीं लग रही, फाइन है वेदर और मज़ा आ रहा है क्योंकि जर्नी व्यूज बहुत खूबसूरत है। सो ले सिटी की एक्सप्लोरेशन की शुरुआत हमने करी हेमिस मोनेस्ट्री से। ले सिटी से ये 45 किलोमीटर्स पे है, बट डेफिनेटली वर्थ है यहाँ पे आना क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है एंड आई जस्ट लव मोनेस्ट्रीज। मैं जितनी मर्जी चाहे मोनेस्ट्रीज देख सकती हूँ। सो चलते हैं अब इसके अंदर। अंदर मोनेस्ट्री के बहुत बड़ा बुद्धा जी का स्टैचू है एंड वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। अंदर का व्यू तो नहीं दिखा पाऊंगी, बट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर सा बुद्धा जी का स्टैचू है। सो अंदर मोनेस्ट्री के तो कैमरास अलाउड नहीं है। यहाँ पे बाय द वे एक म्यूजियम भी है जो जहाँ से आप कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छी मोनेस्ट्री है। सो हेमिस मोनेस्ट्री को हमें एक्सप्लोर करने में लगे कुछ 20 से 25 मिनट एंड अब हम जा रहे हैं सेकेंड मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए, जो है थिस्के मोनेस्ट्री। थिस्के
सो यहाँ पे भी एंट्री टिकट थी 50 रुपीज। सो वी आर एट द सेकंड प्लेस नाउ एंड दिस इज थस्के मोनेस्ट्री। बहुत ही फेमस मोनेस्ट्री है ये लेह लद्दाख की। सो एंट्री करते ही थस्के मोनेस्ट्री से व्यू देखिए कितना प्यारा है। एंड लेह लद्दाख आई गेस इट्स ऑल अबाउट व्यूज। आपको इतने सुंदर व्यूज देखने को मिलते हैं कि आपका मन वहीं खुश हो जाता है। सो ऊपर चलते हैं, बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री लग रही है। मोनेस्ट्री बहुत ज़्यादा सुंदर है ये वाली, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए। एंड सरप्राइजिंगली अंदर कैमरा अलाउड था तो मैंने अंदर से आपको शूट करके भी दिखाया एंड मंक्स वर डूइंग प्रेयर्स इनसाइड। तो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था अपनी आंखों से देखने के लिए। बाय द वे थस्के मोनेस्ट्री पे आपको आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स ये लेने के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। मैंने भी लिम्का लिया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। मैं पानी भी पी रही हूँ, लिम्का भी ले लिया मैंने एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। Now let's head to the third place now, जो कि थस्के मोनेस्ट्री से बहुत ही पास पड़ता है एंड लेह का बहुत ही ज्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। Now it's time to do some touristy things and that is clicking pictures with our most famous iconic location in Leh Ladakh and that is the Rancho School। यहाँ पे 3 Idiots की शूटिंग हुई थी, हम सबको बताया चीज़। एंड यहाँ पे अब मैं आपको लेके जाने वाली हूँ कि थर्ड लोकेशन है जो आपको अपने लोकल साइट सीइंग में इंक्लूड करने चाहिए व्हेन यू आर इन ले। वेलकम टू द रांचो कैफे। ओके, सो ये है द फेमस इडियोटिक वॉल एंड यहाँ पे सब आके अपनी पिक्चर्स क्लिक करवा के ही जाते हैं। एंड 3 Idiots मूवी वन ऑफ माई फेवरेट मूवी है डेफिनेटली एंड बहुत ही अच्छा लेसन दिया था मूवी ने। एंड आपको यहाँ पे हार्डली 5 मिनट लगेंगे बिकॉज यहाँ पे और कुछ नहीं है देखने के लिए। सिर्फ इस वॉल को देख के आप फोटो लेके जा सकते हो और एज सच देखने के लिए कुछ नहीं है। एक कैफे है जहाँ पे आप खा पी सकते हैं। सो कोई एंट्री चार्ज नहीं है सबसे बड़ी बात। एंड यहाँ पे जो विजिटिंग टाइम है वो 9 से 7 का है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी वी आर डन विद इट, चलते हैं 4th location पे। विजिट आर 4th location ऑफ द डे एंड दैट इज ले पैलेस। एंड ले पैलेस से आपको पूरे ले सिटी का इतना अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है। मेरे पीछे ही है पूरी ले सिटी है, बट पहले हम ले पैलेस के अंदर चलते हैं एंड फिर आपको ये व्यूज भी दिखाऊंगी। यहाँ पे फ्री एंट्री है, बट क्यों है? अब यहाँ पे वैसे टिकट लगती है ले पैलेस के लिए, बट एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, अब हमारा जो देश है वो 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, इसलिए जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया के 5 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक उसकी टिकट फ्री है। ले पैलेस भी इसी में आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ही है, इसलिए यहाँ पर टिकट कुछ नहीं लगेगी, हमारी फ्री एंट्री है। एंड मैं 7th अगस्त को विजिट कर रही हूँ, सो इट्स फ्री फॉर। सो अगर आप ले सिटी की हिस्ट्री जानने में इंटरेस्टेड है तो ये जगह आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। यहाँ पे आपको कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फ्लोर्स है देखने के लिए। एंड अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपना टाइम देना पड़ेगा। एंड ले पैलेस के बाहर से ले सिटी के इन ब्यूटीफुल से व्यूज को कैप्चर करना मत भूलिएगा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। सो गाइस हमारी नेक्स्ट लोकेशन है हॉल ऑफ फेम, जहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा क्राउड दिखाई दे रहा है। दिखाती हूँ आपको। एंड ये टिकट है।
Indian citizens के लिए adults के 250 up to 14 years are free. हॉल ऑफ फेम की टिकट है 250 rupees पर पर्सन और अगर अंदर आप कैमरा लेके जाना है तो 20 rupees एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे. सो आई एम थिंकिंग वेदर शुड आई गो इनसाइड और नॉट. तो अभी टाइम भी कुछ हो रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तो हमें 2-3 जगहें और कवर करनी है. बट मैं अंदर आई गेस स्किप कर सकती हूँ, बस मुझे टिकट थोड़ी सी कोसने लगती है. बट आप बाहर से भी देख लीजिए ऐसा है कुछ. सो यहाँ के क्राउड को देख के एंड एंट्री फी को भी देख के मुझे थोड़ी सी कॉस्टली लगी, तो मैंने इसलिए ओवरऑल इसको स्किप कर दिया. एंड इसके लिए वैसे टाइम भी काफ़ी चाहिए था इसको अंदर से देखने के लिए, एंड हमें और भी जगहों पे जाना था. तो आप बट जब भी यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली इसको अंदर से ज़रूर देखिएगा. अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर. इन खूबसूरत सी वादियों के बीच इन दो रिवर्स का संगम देख के हम चलते हैं अब नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जो कि है मैग्नेटिक हिल. इधर पीछे की तरफ आएगा, गाड़ी पार्क करेगा तो पीछे की तरफ आएगा. अच्छा, जहाँ पे ये आगे वाले इनोवा देख रहा है ना, वो एकदम नीचे है ना स्लोप, अगर वो न्यूट्रल मीटर छोड़ देगा ना पीछे आएगा, पीछे आएगा हमारा भी आएगा. तो करो ना एक्सप्लोर, करवाओ एक्सपीरियंस. गाइस देखिए अभी होगा ये एक मैजिक. एंड ये है कि यहाँ पे कार पार्क करी, ठीक है गाड़ी अंदर से बंद है, बट ये अपने आप ही पीछे हो रहा है. इनकी बाइक भी हो रही है, अपने आप ही हो रही है ये चीज़. एंड दैट्स व्हाई दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक हिल. सो कुछ ऐसे मैजिक आपको लद्दाख में देखने को ही मिल सकते हैं. सो ये है मैग्नेटिक हिल व्यू पॉइंट. एंड यहाँ पे आप जब खुद आएंगे तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे ऐसा कुछ पर्टिकुलर देखने के लिए नहीं है, बट एक्सपीरियंस करने के लिए है. सो डेफिनेटली यू शुड कम हियर एंड आपको रास्ते में मिलेगा. बट देखा जाए यहाँ पे कोई ऐसे ढलान भी नहीं है, मतलब ऐसे फील नहीं होता कि क्यों ऐसे गाड़ी पीछे को होती है अपने आप. सो इस ब्यूटीफुल से फिनोमिना को एक्सपीरियंस करने के बाद अब चलते हैं मच अवेटेड लोकेशन पे जो कि है गुरुद्वारा पत्थर साहिब. तो ये है गुरुद्वारा पत्थर साहिब एंड इसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी हिस्ट्री और एक स्टोरी है. ये आप पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा. एंड ये इस जगह की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है एंड कईयों को आप में से इसके बारे में स्टोरी पता भी होगी, अगर नहीं पता तो ज़रूर पढ़ना. अब इसके बाद मैंने यहाँ पे खाया प्रसाद. आज के दिन की लास्ट लोकेशन पे हम आ चुके हैं जो कि है शांति स्तूपा. एंड आफ्टर हैविंग अ गुड मील, गुड प्रसाद एट पत्थर साहिब, अब यहाँ से देखते हैं हम ब्यूटीफुल से नज़ारे ले सिटी के. एंड ये आज की आइटनरी में, लोकल साइट सीइंग की आइटनरी में लास्ट लोकेशन है मेरी एंड इसको देखे बिना आज का दिन कंप्लीट ना होता. बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, आपको अंदर लेके चलते हैं. मेरे पीछे है शांति स्तूपा एंड आप देख सकते हो बहुत क्राउड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है. यहाँ से व्यूज इनक्रेडिबल है एंड इतना बड़ा ये जो स्टैचू है
बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है एंड बहुत ज़्यादा क्राउड है, लोग ऐसे देख रहे हैं व्लॉग करते हुए, बट आई एम एंजॉइंग इट, इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड ऑफ आर डे वन इन लेह लद्दाख एंड आई होप कि आपको ये लोकल साइट सीइंग की पूरी वीडियो, पूरा ट्रैवल गाइड पसंद आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक करना। बाय द वे, जो पूरी आइटनरी थी ये लोग दो दिन में भी कंप्लीट करते हैं एंड एक दिन में भी हो सकता है, एक दिन में मैंने कराया, जैसे कई लोग इसको दो दिन में भी आधे आधे प्लेसेस को डिवाइड करके करते हैं। बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी आइटनरी को किस तरह प्लान करते हैं, कि आपको ये सारी जगह एक ही दिन में कम्प्लीट करनी है या फिर आप दो दिन में डिवाइड करके भी कर सकते हो। बाय द वे, जैसे कि मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ तो आज के लिए मेरे को शेयरिंग टैक्सी मिलना बहुत आसान था क्योंकि जो हॉस्टल में मुझे ये सब मिल गए थे। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि जितने भी मेरे उनका कल है ऑफिस, कल मतलब उनका वर्किंग है, तो वो यहाँ से कर रहे हैं वकेशन। उन्होंने आगे जैसे कि मुझे नुब्रा वैली जाना है या बैंकॉक जाना है तो उनको अभी नहीं जाना, बट मैं हूँ अभी वकेशन पे एंड मेरे पास डेज है बिल्कुल डेडिकेटेड, तो मुझे कल ही जाना है नुब्रा वैली। अब कल के लिए शेयरिंग टैक्सी फाइंड करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है, तो वो अब आने वाले ब्लॉग में आप देखेंगे कि मैं किस तरह शेयरिंग टैक्सी अपने लिए देखती हूँ, अरेंजमेंट्स करती हूँ, किस तरह करूँगी। बीइंग अ सोलो एंड बजट ट्रैवलर आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, वो ब्लॉग देखना अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा, तो उसके लिए आप वेट कीजिए। आज का दिन तो बहुत ईजी था, मुझे ये सब जोशल में मिल गए थे तो हमारा दिन अच्छा गया, हमने ऑलमोस्ट सारे लोकल साइट से लेक ही कंप्लीट कर दिया। बाकी इसी के साथ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग। In the Milky Way.